दोस्तों जरा देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप ऐसे प्लेन में बैठे हैं जिसमें आपने अपना पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया हो और बदतरीन तूफानी मौसम और खराब इंजन या किसी और वजह से लैंडिंग एक सवाल बनकर सामने हो तो यकीनन ये एक बेहतरीन याद नहीं होगी और दुआ है कि आप कभी ऐसे प्लेन में सवार भी ना हो। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम आपको जिन प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताने वाले हैं ये दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स भी करार दी जाती हैं और बड़े हादसात ऐसे थे जिनसे ये लोग बाल बाल बचे रहे। दोस्तों किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ होने का वक्त ही सबसे ज्यादा मुश्किल दरकार होता है क्योंकि एविएशन के 80% हादसात टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होते हैं और मौके पर पायलट को अपनी जिम्मेदारी और महारत से काम लेना पड़ता है, जैसे कि इस बोइंग 737 के पायलट ने किया। हवाई से उड़ने वाली ये फ्लाइट 35 मिनट की थी और इसकी मंजिल होनोलुलु थी, मगर फ्लाइट के 23 मिनट में जब जहाज की 1000 की बुलंद की मेंटेन हुई और वो परवाज कर रहा था तो हवा के दबाव में ऊंच नीच की वजह से पहले 6 कतारों की सीट से छत ही उड़ गई। इस वक्त मुसाफिर सीट बेल्ट बांधे हुए थे मगर एक एयर होस्टेस जो उस वक्त ड्रिंक सर्व कर रही थी वो जान की बाजी हार गई। सोचिए 7000 फीट की बुलंदी पर 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोई शख्स नीचे जमीन पर गिरे और -30 के टेम्परेचर की तूफानी हवा का सामना हो तो क्या वो जिंदा बचेगा? यकीनन नहीं। मगर पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा, उसने इमरजेंसी के लिए जहाज को तेजी से जमीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। 300 किलोमीटर पर जहाज की स्पीड से 11 मिनट में ही जहाज ने सेफ्टी लैंडिंग शुरू कर दी और ये एक मिरेकल सिकम नहीं था कि बिना छत के जहाज के सफर में मुसाफिरों की अक्सरियत जिंदा बच गई। न्यूयॉर्क के एक पोर्ट से एक बस सुबह 3:20 पर उड़ान भरती है। ये एयरबस 320 है मगर टेक ऑफ के चंद मिनट के बाद परिंदों का एक झुंड जो है वो सीधा जहाज के इंजन के साथ टकराया और इंजन ने आग पकड़ ली। कैप्टन ने फॉरन कंट्रोल टावर को खबरदार किया कि वो जहाज को वापस लैंडिंग के लिए मोड़ रहा है, तो जल्दी से उसे एहसास हो गया कि वापसी की मोहलत खत्म हो रही है और अगर उसने एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की भी तो ये लोग मारे जाएंगे। इस दौरान कैप्टन सिली ने हाजिर दिमाग होते हुए ऐसा फैसला किया जो कभी एशियन हिस्ट्री में नहीं हुआ था और वो ये था कि दरिया के बीचों बीच जहाज को लैंड करवाया जाए और उसने ऐसा करके भी दिखाया। पानी पर बगैर किसी मदद के इजाफी जहाज को आज भी हडसन के नाम से जाना जाता है जिसमें एक भी इंसानी जान जाया नहीं हुई। उसमें खौफजदा लोगों को क्रॉस के जरिए पानी से निकाल लिया गया। सुनने में ये काफी फिल्मी सीन लगता है लेकिन दोस्तों ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी हुई है। दोस्तों आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है कि जहाज में आप सवार नहीं हो रहे बल्कि जहाज की छत पर खड़े हो? दोस्तों ये वाकई बहुत फनी लगता है या कई दफा मीम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जहाज में पायलट को मुंह बाहर करते हुए देख रहे हैं, मगर आपको मैं एक हकीकत में ऐसा हुआ हुआ वाकया जो है वो बताने वाला हूँ। ये बात है 1990 की जब खिड़की से बाहर एक पायलट लटका हुआ रह गया। दोस्तों ये फ्लाइट यूके से स्पेन जा रही थी और इसका नंबर था 390। जैसे ही इसने उड़ान भरी तो पिन लाइन कॉन्ट्रैक्टर इस पायलट के पास 11,000 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा था। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी पायलट ने नहीं देखा कि उसके पास पिन लाइन कॉन्ट्रैक्टर नहीं मौजूद। जहाज जब 16,000 की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट टिन लाइन सिस्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन फिर अचानक विंड कंप्रेशन की वजह से पायलट की फ्रंट स्क्रीन ही उड़ गई और हाई स्पीड की वजह से पायलट भी उड़ गया। बदकिस्मती से इसकी स्क्रीन जब टूटी तो खुशकिस्मती ने भी इसका दरवाजा खटखटाया क्योंकि दोस्तों इसका पांव अपनी सीट के साथ बुरे तरीके से फंस गया था जबकि पूरी बॉडी जहाज से बाहर लटक रही थी। तभी को पायलट ने हाजिर दिमाग होते हुए पांव से उसे थाम लिया। बाद में क्रू मेंबर्स ने दोनों हाथों से इसे पकड़ा और खींच कर जहाज के अंदर कर लिया। दोस्तों है ना एक मिरेकुलस मामला। दोस्तों आखिर में हम लोग आपको एक और ऐसी लैंडिंग दिखाएंगे जिसमें एक शख्स ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए एक जहाज को कीचड़ भरे एक डिच के अंदर लैंड करवा दिया। इसकी लैंडिंग किस तरीके से हुई और इसे कितने लोग देख रहे थे आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है।